बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने स्प्रेडशीट्स के अंदर आप फंक्शंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और साथ के साथ अलग अलग टाइप के फंक्शंस जैसे कि एवरेज के फंक्शन, इसी तरीके से मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस और फाइनेंशियल फंक्शंस की डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, चार्ट्स इन स्प्रेडशीट्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ट्स होते क्या है। दोस्तों, चार्ट्स को आमतौर पर ग्राफिक्स भी कहा जाता है और ये इसकी डेफिनेशन देखिए। द चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट दैट कैन ब्रिंग मोर अंडरस्टैंडिंग टू द डेटा। यानी अक्सर आप टेबल्स की फॉर्म में जो भी डेटा अपनी वर्कशीट में डालते हैं, अगर आप उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं उस डेटा को और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसके लिए एमएस एक्सेल आपको कई तरह के चार्ट प्रोवाइड करता है। इनमें जैसे कि बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह। आइए अब एमएस एक्सेल में आप किस तरह से इन चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको प्रैक्टिकली फराहम करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी टेबुलर फॉर्म में दिए गए डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एमएस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है चार्ट्स यानी ग्राफ्स। तो अब आप फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में डाटा मौजूद है। यहाँ पर मैंने एक कंट्रीज लिखे हैं और उन कंट्रीज का एम्प्लॉयमेंट रेट ये आपके सामने मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, 2016 में इन कंट्रीज का एम्प्लॉयमेंट रेट ये था, 2015 में ये एम्प्लॉयमेंट रेट था और 2014 में ये एम्प्लॉयमेंट रेट था। अब अगर मैं इस पूरे टेबल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहती हूँ, यानी इसको चार्ट्स के जरिए देखना चाहती हूँ, तो वो मैं किस तरह से करूंगी। आप सबसे पहले उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड पर मौजूद Alt F1 की को एक साथ प्रेस करेंगे। और दोस्तों, जैसे ही आप Alt F1 की को प्रेस करेंगे, तो आपके सामने इस डाटा से रिलेटेड यानी इस डाटा पर मुश्तमिल एक चार्ट, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगी। और दोस्तों, बाय डिफॉल्ट MS Excel आपको जो चार्ट प्रोवाइड करेगा इस शॉर्टकट की के बाद, वो कॉलम चार्ट होगा। इस चार्ट को कॉलम चार्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स नजर आ रही है। अब दोस्तों, एक चार्ट जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि ये जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है चार्ट टाइटल, ये कहलाता है प्लॉट एरिया, दोस्तों ये कहलाता है वर्टिकल, ये वैल्यूज कहलाती हैं वर्टिकल वैल्यू एक्सिस, और ये कहलाती हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं ये कहलाती हैं हॉरिजॉन्टल वैल्यूज एक्सिस, और दोस्तों ये कहलाता है सीरीज लीजन एंट्रीज, यानी ये जो एंट्रीज हैं ये कहलाती हैं सीरीज लीजन एंट्रीज, जो कि अलग अलग कलर्स की होती हैं। और ये कलर्स ही दरअसल आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कि 2000 जो ब्लू कलर है ये 2016 के लिए है, जो ऑरेंज कलर है ये 2015 के लिए है, और जो ग्रेश कलर है ये 2014 के लिए। और ये कहलाती हैं सीरीज, यानी जो आपकी प्लॉटिंग हुई हुई होती है जहाँ पर, ये तमाम चीजें कहलाती हैं सीरीज। तो दोस्तों, ये थे चार्ट एलिमेंट्स। अब अगर आप इन चार्ट एलिमेंट्स को चाहते हैं कि ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पर चार्ट पर नजर ना आए, तो इसके लिए MS Excel आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है। आपको चार्ट के इस राइट टॉप कॉर्नर पर नजर आ रहे हैं तीन बटन्स। तो दोस्तों, जब आप इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा चार्ट एलिमेंट्स के नाम से। और दोस्तों, चार्ट एलिमेंट्स के नाम से आपको ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है। अब दोस्तों, आप जिन भी एलिमेंट्स को अपने चार्ट में शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर आपको वो एलिमेंट शो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी एलिमेंट को अपने चार्ट से डिलीट करवाना चाहते हैं, तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके टिक मार्क को हटाएंगे तो आपके सामने से वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से चार्ट टाइटल को रिमूव करवाना चाहती हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि अब चार्ट टाइटल रिमूव हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं डाटा लेबल्स को यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अब डाटा लेबल्स आपके चार्ट पर आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इन चार्ट एलिमेंट्स को शो करवाने के लिए और अपने चार्ट से हटाने के लिए आपको ये प्लस का साइन दिया जाता है। अब बिल्कुल नीचे ही इसके आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, ब्रश का साइन। दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, स्टाइल और कलर की। तो दोस्तों, एक चार्ट को अगर आप मुख्तलिफ स्टाइल्स में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड करता है। ये चार्ट्स जो हैं, इसके स्टाइल्स बिल्ट इन होते हैं, एमएस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल्स के, यानी एक ही चार्ट के अलग अलग स्टाइल्स को देख सकते हैं और उनको चूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अभी ये डेटा वैल्यूज वाला चार्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इस तरह का चार्ट चाहती हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप ग्रिड वाला चार्ट चाहते हैं, आप वैल्यूज को इन कॉलम्स के अंदर देखना चाहते हैं, तो आप इस स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी चीज है कलर्स। अगर आप यहाँ पर चार्ट में देखें तो आपको जो ये कलर्स हैं, यही तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि भाई ये जो 2016, 2015 और 2014 का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये आपको कलर्स की वजह से ये अलग अलग आपको नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर जो है वो 2016 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज 2015 को और ग्रेश कलर 2014 को। तो अब अगर आप इन कलर्स की स्कीम को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एमएस एक्सेल कलर्स के लिए एक फीचर प्रोवाइड करता है कलर का। अब आप यहाँ से इन कलर्स की स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे जैसे कलर्स को सिलेक्ट करते जाएंगे, इनफैक्ट सिलेक्ट नहीं भी कर रहा है तो ये आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आप अगर सिलेक्ट करने के बाद आपका चार्ट किस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ पर से आप कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और आपको यहाँ पर तीसरा बटन नजर आ रहा होगा फिल्टर का, और इस फिल्टर के बटन के जरिए आप इस पूरे चार्ट में से अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हुआ है तो आपको तमाम कंट्रीज के एम्प्लॉयमेंट रेट नजर आ रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट रेट देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल जो है इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ से टिक मार्क रिमूव हो गया है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया का जो है इसके चेकबॉक्स पर जो है वो टिक मार्क लगा दूंगी, तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट रेट नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों मैंने पाकिस्तान को चूज किया और इंडोनेशिया को चूज किया। अब जैसे ही दोस्तों आप इस विंडो पर मौजूद अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन तीन कंट्रीज के एम्प्लॉयमेंट रेट नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर का एम्प्लॉयमेंट रेट देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 2015 का एम्प्लॉयमेंट रेट देखना चाहती हूँ इन कंट्रीज का, तो उसके लिए भी आपको प्रोवाइड की जाती है एक सीरीज, यानी आप सीरीज के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट ऑल पर क्लिक किया तो ये चेकबॉक्स जो है अब इस पर से टिक मार्क हट गया है। अब यहाँ से मैंने 2015 पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2015 से रिलेटेड इन कंट्रीज का एम्प्लॉयमेंट रेट आपके सामने मौजूद होगा। दोस्तों ये तो थे वो तमाम ऑप्शंस जो कि किसी भी चार्ट में एमएस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं अपने इस डेटा का कोई और चार्ट बनाना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमएस एक्सेल आपको कई तरह के चार्ट प्रोवाइड करता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट्स वगैरह, तो अब अगर मैं कॉलम के अलावा कोई और चार्ट अपने इस डेटा का बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए आप सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा होगा चार्ट्स का। दोस्तों यहाँ पर आपको कई तरह के चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो इन चार्ट्स पर क्लिक करके भी आप अपने इस डेटा का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक लंबा तरीका है, अगर आप इसका शॉर्टकट तरीका देखें तो आप इस चार्ट पर जो कि पहले से मौजूद है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा चेंज चार्ट टाइप का, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो दोस्तों आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी चेंज चार्ट टाइप की, और यहाँ पर वो तमाम चार्ट्स मौजूद होंगे जो कि एमएस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है लाइन, पाई, बार, एरिया एंड एक्सेट्रा। तो अब मैं अपने इस चार्ट को बार चार्ट के अंदर, सॉरी पाई चार्ट के अंदर तब्दील करना चाहती हूँ, तो मैंने पाई चार्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको अलग अलग शेप्स के पाई चार्ट्स नजर आ रहे हैं। मैंने फर्स्ट शेप को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अब आपके सामने ये एक पाई चार्ट, आपके इसी डेटा का पाई चार्ट मौजूद है। अब अगर आप इसके अंदर लेबल्स को शो करवाना चाहते हैं तो आप, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डेटा लेबल्स को शो करवाना चाहती हूँ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये डेटा लेबल भी शो हो गया। और दोस्तों यहाँ पर भी आपके सामने वही तीन ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं जो कि मैंने पहले डिफाइन किए हैं, विच मीन्स कि जो अभी मैंने आपको बातें बताई थी कॉलम चार्ट के लिए, वो तमाम चीजें यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होंगी। अब दोस्तों पाई चार्ट के अंदर आपको एक और चीज दी जाती है कि अगर आप इन तमाम जो आपको रेक्टेंगल फॉर्म में नजर आ रहे हैं इनको आप अलग अलग देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे ऑप्शंस फॉर्मेट डेटा सीरीज के, तो आप दोस्तों पाई एक्सप्लोशन के जरिए आप इनको अलग अलग भी देख सकते हैं, और अगर आप इनके एंगल्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस का। आप जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो अब आपके सामने जो भी आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल आप चार्ट दिखा रहे हैं और आप इस एंगल की तरफ से चार्ट दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं उसके एंगल को। तो दोस्तों ये था बार चार्ट। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ पाई चार्ट के अंदर तो उसके लिए आप इसके ऊपर दोबारा से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे और चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे नजर आ रहा होगा बार चार्ट।
अब बार चार्ट के अंदर यहाँ पर भी आपको कई तरह के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, अलग अलग शेप नजर आ रही हैं। मैंने फर्स्ट शेप पर क्लिक को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों ये आपके सामने आपके इस डेटा का बार चार्ट मौजूद है। और दोस्तों ये बार चार्ट जो है ये सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी इसके जरिए आप इजीली अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर आसानी नजर आ रहा होगा कि कौन से कंट्री का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट है। आप यहाँ पर इस चार्ट को देखकर आसानी बता सकते हैं, विच मीन्स के जो बार चार्ट होते हैं ये आपके डेटा को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो दोस्तों बार चार्ट के अलावा अगर आप लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं अपने इस डेटा की, तो आप दोबारा से इस इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक चार्ट विच इज अ लाइन चार्ट। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ से भी किसी भी चार्ट को, अपने डाटा को किसी भी चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो थे दो तरीके कार के आप अपने डाटा को जो है वो इन इन चार्ट्स के अंदर, इसके अलावा भी कई चार्ट्स मौजूद हैं, इनमें आप तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ऑप्शंस भी पता लग गए कि इनके जरिए आप चार्ट एलिमेंट्स, स्टाइल्स, कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस डिजाइन फॉर्मेट के जरिए भी अपने चार्ट्स की डिजाइन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉर्मेट के इस ऑप्शन के जरिए इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ शेप वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो वो आप इस फॉर्मेट के ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको एक और शॉर्टकट की प्रोवाइड की जाती है F11। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने अलग एक शीट के अंदर आपके इस डेटा की, इस डेटा का जो चार्ट है वो आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने F11 की प्रेस की तो आपके सामने जो बाय डिफॉल्ट कॉलम चार्ट है आपके इस डेटा का वो आपको यहाँ पर नजर आ गया और इसकी अलग से एक शीट है। तो दोस्तों ये थी तमाम चार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको MS Excel के एडवांस फीचर्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।